ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एपी होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आप बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाओगे। दोस्तों, साथ ही मेरी आपसे एक गुजारिश और है कि आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना शेयर करते हो, इसी वजह से जो हमारी वीडियोस हैं उनको बहुत कम व्यूज मिलते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे आगे भी इसी तरह की वीडियोज बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए अब मैं आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड फायर सर्विस डिपार्टमेंट है। नेम ऑफ पोस्ट होमगार्ड फायरमैन ड्राइवर और ऑपरेटर की है। नंबर ऑफ वैकेंसी 91 है, यानी कि इसके अंदर कुल 91 पद निकाले गए हैं। जॉब लोकेशन आंध्र प्रदेश, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के अंदर होगी। जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि कब ये नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ था, 22 जनवरी 2019 को यह नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ था। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 29 जनवरी 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 18 फरवरी 2019 है। यानी कि 29 जनवरी 2019 से लेकर 18 फरवरी 2019 तक आप अपने इसमें आवेदन कर सकते हो, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से कर पाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट fireservice.ap.gov.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। अब मैं आपको इस भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास 7th क्लास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, यानी कि आप 160 सेंटीमीटर के होने चाहिए, और साथ ही आपके पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल होगे अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट, दोस्तों मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल है, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में है वो लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन स्किल टेस्ट फॉर फायरमैन पोस्ट अप्लाइड कैंडिडेट्स, यानी कि आपका सिलेक्शन स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट फॉर दी होमगार्ड ड्राइवर ऑपरेटर पोस्ट के लिए, यानी कि जो आवेदक फायरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और जो आवेदक होमगार्ड ड्राइवर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा, और लास्टली आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपका दोनों पोस्ट के लिए होगा। सैलरी, यानी कि अप्लाई करने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी जब आप इस पोस्ट पर नियुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, सैलरी का खुलासा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर नहीं हुआ है, इसलिए आपको सैलरी का पता तभी चलेगा जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। अब मैं आपको वैकेंसी डिटेल बता देता हूं कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। होमगार्ड फायरमैन के लिए 73 पद है और होमगार्ड ड्राइवर ऑपरेटर के लिए 18 पद निकाले गए हैं, जो कि कुल मिलाकर के हो जाते हैं 91 पोस्ट। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल जानने के लिए आपको यहां पर यह वीडियो पोज करके देख लेनी है और जान लेना है कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने पद किस पोस्ट के लिए निकाले गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस की जानकारी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर नहीं है, तो आपको इसके अंदर जो मैं जानकारी ले पाया हूं, आपको इसके अंदर आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप फ्री में आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस सेंटर, यानी कि आपके सेंटर कहां पर लगेंगे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वाइजैग, ईस्ट गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, यानी कि इन शहर के अंदर आपके सेंटर लगने वाले हैं जो कि जहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में जानकारी दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें आवेदन शुरुआत होने की जो तिथि है 29 जनवरी 2019 है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2019 है, और जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो 1 मार्च 2019 को होगा, और ड्राइविंग टेस्ट आपका 6 मार्च 2019 को होगा। अब बात बता देता हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या उसको रीड करना है, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे रहा हूं, साथ ही मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है, और आपको अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई फॉर्म भरने में, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। दोस्तों, साथ ही मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो
वीडियो के अंदर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एपी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड फायर सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है। तो जो जानकारी मैंने अभी आपको बताई है वो सभी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम नोटिफिकेशन से ली गई है। और दोस्तों आपको जिस वेबसाइट से आवेदन करना है वो वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। मैं आपको इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर विजिट कर सको और अपना आवेदन बहुत ही आसानी से भर सको। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि हमारी वीडियोज़ पर लाइक बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि आप वीडियोज़ को लाइक करो, जिससे कि मुझे आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ।